जहानुमा में वाक़े KAM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दो मासूम बच्चों की मौत पर हुकूमत आई हरकत में फसलानसर के कब्रिस्तान से दोनों मासूम बच्चों की डेड बॉडीज़ को MRO और डॉक्टर की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। वाज़ेह नाज़रीन के कल KAM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही से दो न्यू बॉर्न बेबीज़ को इन्फेंट रेडिएंट वार्मर मशीन में रखा गया था, जिसके सबब वहां पर हीट ज़्यादा होने के तहत दोनों मासूम बच्चों की जलने से मौत वाक़े हो गई थी, जिसके बाद अफराद ख़ानदान ने बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल में हंगामा किया था। लेकिन आज भी पुलिस ने घर वालों को गुमराह करते हुए और अंधेरे में रखते हुए मासूम बच्चों का दोनों का भी पोस्टमार्टम कर दिया, जिस पर मरहूम बच्चों के घर वालों ने बरहमी का भी इजहार किया। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। तो नहीं दिए थे, आज हमारे हुए जो सर्कल साहब आके बुला के बोले कि आप कंप्लेंट दीजिए, मेरे ऊपर प्रेशर डर रहा, पैसे खा गए बोल के, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए बोल के प्रेशर डर रहा, आप तो मेहरबानी करके कंप्लेंट करिए। तो बच्चे की बाप को बुलाया मैं, हमारे दामाद को बुलाने के बाद में हमारे दामाद है तो सब डिटेल पूछ लिए, खौसा बोल के वहाँ डिटेल पूछते गए, लिखते गए, पूछते गए। कल से हुआ क्या वो बोलिए? कल से है तो बच्चे को 9 बजे पैदा हुआ बच्चा। कौन से हॉस्पिटल में? KM हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, KM हॉस्पिटल शमशीरगंज जी, शमशीरगंज गौशाले के पास ही है। तो कल पीर के दिन बच्चे को एडमिट किया गया है, मंगल के दिन सुबह ऑपरेशन हुआ, 9 बजे बच्चे की पैदाइश हुई, 11:30 तक बच्चा अच्छा था। हम लोग बच्चे के हाथ पे पैसे दे के आयों को दायनों को लोगों सबको बांटे। उसके बाद है तो 12:30 को हमारे दामाद को हमारी बीवी को बुला के बोले कि भाई बच्चा आपका है तो सांस नहीं ले रहा, सांस में प्रॉब्लम है, आप भेज दो दुरेशवाल को लेके जाइए। बोल के क्या करें, कपड़े में लपट के हमको दे दिए, हम नाइलम इंसान है, सीधा लपट लेके चले गए। जाने के बाद दुरेशवाल हॉस्पिटल में ये बोले कि वो कपड़ा हटाने के बाद बोले कि स्किन कहाँ गई बच्चे की, बच्चे की स्किन कहाँ गई। तो हम बोले हमको नहीं मालूम था, बच्चा अच्छा था, सुबह देखे हम, सुबह की फ़ोटो बताए तो बराबर है। उसके बाद में उन लोगों ने जब कपड़ा हटा के बताए तो स्किन उसकी बच्चे की नहीं थी। तो उसके बाद आके हंगामा करे, दवाखाने के ऊपर आके हंगामा करे, डॉक्टर हम पूरे भाग गए, कोई स्टाफ नहीं था, 6-7 बजे तक बंद था दवाखाना। उसके बाद हमारे भाई हमारे दामाद के भाई वो लोग बच्चे को ले लेके इधर आ गए, पोस्टमार्टम करेंगे बोले तो हैबत खा गए कि भाई मासूम बच्चे की कहीं को पोस्टमार्टम करना बोल के उन लोगों हैबत खा के ले लेके आ गए, तफिन कर दिए। तफिन करने के बाद रात को ACP साहब आए, सर्कल साहब आए, आने के बाद KM हॉस्पिटल में बोले कंप्लेंट क्यों नहीं करे, फलकनुमा PS। जब आप KM हॉस्पिटल से वहाँ पर दुरेश्वर की शिफ्ट करें, जब बच्चे को नहीं देखे आप कंडीशन का नहीं देखे, कपड़े में लपड़ दे दिए, कपड़े में टेप लगा दिए, टेप लगा दिए। हम हमारी परेशानी में थे, उन्होंने सीने पे जैसा जल गया हमको भी नहीं मालूम, उन्होंने टेप चिपका दिया, उसके बाद कपड़े में लपट के दे दिए। वहाँ जाके डॉक्टर खोले, डॉक्टर खोलने के बाद में बोले ये बच्चे की सीने की स्किन कहाँ है, हम बोले हमको नहीं मालूम था, बोले तो बताए तो एकदम हम ऐसा हो गया, शॉक हो गया हम लोग। अब क्या हुआ? अब है तो अब पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा करते बोल के आज सुबह है तो हमारे जब बच्चे का डेड हुआ तो आप लोग कंप्लेंट नहीं करना है बोल के डेड बॉडी ला के दफना दिए, फिर आज जो है सो MRO आके जो है सो ये PM भी जो करे आप कंप्लेंट दिए इसमें? नहीं नहीं, ये सुबह सर्कल साहब बुलाए, सुनिए आप, पुलिस आके PM में करी, सुनिए आप, सुबह हमारे को बुलाए सर्कल साहब बुलाए, सुनिए आप, सुबह हमारे को बुलाए सर्कल साहब बुलाए, बुला के दामाद को बुलाए हमारे, बुला के नाम पूछे, बाजू कमरे में बिठा के नाम वगैरह पूछे, बीवी का नाम पूछे, बच्चे का नाम पूछ, रखे नहीं रखे, आप कौन है तो बोले तो बोला मैं सुधरा हूँ, बच्चे का बाप हूँ, ये कौन है दामाद है, तो इनसे पूरे इनके वालिद का नाम, मेरे वालिद का नाम, इनकी बीवी का नाम, इनका नाम सबका ले लेके बोले ठीक है बोल के इन लोग हमारे को बोले कि आपकी कंप्लेंट अब हुई, तो हम बोले ठीक है। उसके बाद ये लोग फ़ोन करे कि वहाँ जाना पड़ता, कब्रिस्तान को जाना, एक आदमी को हमारे आदमी के साथ भेजना, तो हम क्या करें, ठीक है चलिए बोल के आ गए। अब वो सर्कल साहब भी बोले हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा इसलिए आप कंप्लेंट दो बोले, तो आज हम जाके दिए कंप्लेंट, कल तक नहीं दिए थे। क्या जो जला है उन लोग लाइट की हीट रखते तो रख के तो लापरवाही से हो गया, वो दाइमा वो लोग थे ना उन लोग वहाँ से रख के हट गए। बच्चा जब पैदा हुआ हेल्थी था, पूरा हेल्थी था, 3.5 किलो का था भाई, आवाज़ दिया, रो रहा था बच्चा,
जैसा कि डॉक्टर ये बच्चे ऐसा था बच्चा, ये देखिए फोटो है, ये फोटो है बच्चे की, फिर बाद में देखिए बाद में बड़ा तो बाद में ये फोटो है बच्चे तो लोग वो वार्मर बॉक्स में रखे थे क्या? वो वार्मर बॉक्स करते कई सालों से खराब हो गए थे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जो वार्मर बॉक्स में रखते ना भाई, वो वार्मर बॉक्स भी कहते हैं, कल मालूम हुआ कि वो कई सालों से खराब हो गए थे, समझ रहे? उसके साथ और एक बच्ची को भी रखे थे उसमें, दो बच्ची उसको भी सेम जल गया, जैसा अभी बताया मैं आपको, हमारे भाई के ससुरे बताए और उसी जल गया वो बच्ची को भी, तो लेके आया हॉस्पिटल को, मैं दुरेश्वर को मैं गया, जब देखा तो पूरा बच्चा नीला नीला हो गया था, तो डॉक्टर को पूछा है क्या हुआ, बोलते जैसा हॉस्पिटल से लेके आए थे वो पूरा जले हुआ था उसका, बोले तो मैं जब फोटो निकाल के डॉक्टर को बताया, अरे बच्चे की ये फोटो पैदा होगा तो ऐसा था, हेल्थी था, अब ये निशान कहाँ से आ गया, बोलते वो हम आपको नहीं मालूम, आप जैसा लाए थे हम तो खोल के देखे, हम खुद ही आपको पूछ रहे कि बच्चे का स्किन कहाँ गया। आपकी बच्ची को जो डॉक्टर देखे उनका कुछ नाम बताना? नाम डॉक्टर एलिना है, वो के एम हॉस्पिटल की जो डिलीवरी करे उन्होंने हमारे भाई की, मेरी बाबा जी तो मैं कल पोस्टमार्टम वगैरह करते बोले थे, तो मैं बोला पोस्टमार्टम छोटी सी इसकी जान है, उसके मुंह में से खून भी जा रहा था, ऑलरेडी लेट होगा, तो मैं क्या करा